बिफोर ये है, बिफोर है सब, ये है आफ्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोनिका मिनोल्टा कलर डिजिटल मशीन टेक्नीशियन हूँ। तो आज चलते हैं कोनिका मिनोल्टा बिजब C364 पे, उसमें कुछ प्रिंट क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो चलते हैं क्लाइंट के पास और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपके यहाँ शेयर भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लाइंट के पास। ये है कोनिका मिनोल्टा का कलर प्रिंटर है, जिसका मॉडल है कोनिका मिनोल्टा बिजब C364। तो ये जो है 12 इंच बाई 18 इंच प्रिंट करता है और इसमें कुछ प्रिंट क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें। ये देखिए, इस तरह का प्रिंट आउट आ रहा है, पूरा ब्लैक आ रहा है, कभी ये थोड़ा थोड़ा लाइन लाइन आ रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसका क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह मशीन का जो है लेफ्ट साइड का कवर जो होता है लेज़र का, लेज़र साइड का पावर सप्लाई बोर्ड जिधर रहता है उधर साइड का कवर खोलेंगे और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है अपना लेज़र केबल होता है जो मल्टी फंक्शन बोर्ड के तरफ से आता है, उस केबल का प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट साइड में जो कवर होता है ब्लैक कलर का, वो कवर खोलेंगे। वो कवर खोलने के लिए तीन स्क्रू रहते हैं। तो तीन स्क्रू निकालने के बाद सामने में एक मेटल का और कवर रहता है, ये देखिए, ये जो मेटल का है उसको भी निकालेंगे। उसको निकालने के बाद सामने में पावर सप्लाई बोर्ड और कूलिंग फैन और वहाँ पे ही लेज़र का केबल रहता है, लेज़र केबल या लेज़र वायर बोले, पतली सी रिबन वायर रहती है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से इस तरह का आ रहा है। कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है या फिर लेज़र वायर ख़राब हो जाता है या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने कवर निकाल लिया है मेटल का जो है, उसके बाद आराम से चेक करने के लिए फ़ैन भी निकाल लेता हूँ, जो कूलिंग फ़ैन है वो निकाल लेता हूँ। सामने में जो बोर्ड है पावर सप्लाई बोर्ड है, तो ये है लेज़र केबल, ये देखिए, ये देखिए इस तरह ख़राब हो गया है। इसके वजह से उसको मल्टी फंक्शन बोर्ड से इधर कनेक्टिविटी आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं ये जो है केबल चेंज करूँगा। तो केबल को चेंज करने से पहले मैं पावर सप्लाई बोर्ड निकाल लेता हूँ ताकि आराम से चेंज कर सके। तो पावर सप्लाई बोर्ड निकालने से पहले ये सब कनेक्टर निकालते हैं। कनेक्टर को आप ध्यान से देखिए, कौन कौन सा कनेक्टर है, कौन कौन सा केबल निकालना है। तो कनेक्टर को बढ़िया से निकालने के बाद इसमें चार स्क्रू रहते हैं, पावर सप्लाई बोर्ड को फिक्स करने के लिए, टाइट करने के लिए चार स्क्रू रहते हैं। दो नीचे रहते हैं और दो ऊपर में लेफ्ट एंड राइट साइड में रहते हैं। तो चार स्क्रू निकालने के बाद फिर बोर्ड है वो आराम से निकल जाता है। तो आप देखिए कैसे निकालता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ऊपर पुश करेंगे, पुश करने के बाद पीछे का जो लॉक रहता है उसमें से निकल जाता है। ये देखिए, मैंने पावर सप्लाई बोर्ड निकाल दिया है। अब पावर सप्लाई बोर्ड निकालने के बाद ये जो छोटा वाला बोर्ड रहता है जो एक स्क्रू पे फिक्स किया हुआ रहता है, उसको भी निकाल लेंगे ताकि उस टाइम वायर निकालने में या लगाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आराम से जितना कोशिश करते हैं कि ये सब आराम से निकाल लेते हैं। ये देखिए, छोटा वाला बोर्ड मैंने निकाल लिया है। अभी ये जो केबल ख़राब हो गया था अपना, जो मल्टी फंक्शन बोर्ड से जो केबल आता है लेज़र वायर, लेज़र यूनिट में कनेक्टिविटी के लिए, तो ये वायर ख़राब हो गया। उसको निकालने के लिए मैं मशीन के बैक साइड जाएंगे, मैं मशीन के बैक साइड जाऊंगा। बैक साइड जाने के लिए जो है कि अपना ये जो स्क्रू है वो निकालेंगे। अभी मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा रहता है। तो यहाँ पर जितने स्क्रू रहे हैं कवर को, वो निकाल दीजिएगा। वो स्क्रू निकालने के बाद ये ब्लैक कलर का जो कवर है वो बाहर आ जाएगा, और इधर का भी जो एक ये क्या बोलते हैं अपना कवर है वो भी आप निकाल लेंगे। चार पांच स्क्रू से फिक्स किया हुआ रहता है, तो मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये कवर निकालने के बाद देखिए सामने में जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में है प्रिंटर कंट्रोलर बोर्ड, मल्टी फंक्शन बोर्ड लेफ्ट साइड वाला जिसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और राइट साइड में जो है PRCB जिसको बोलते हैं प्रिंटर कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो सामने मैंने जो वायर निकाला, ये वायर आया हुआ है उधर से। तो अभी ये बोर्ड निकालने के लिए निकालते हैं स्क्रू। एक नीचे रहता है राइट साइड में, एक ऊपर रहता है, एक और नीचे रहता है, वो मैं बाद में निकालूंगा। अभी ये सब जो है कनेक्टर का जो वायरिंग किया हुआ है उसको आराम से निकालेंगे, ताकि वहाँ पे जो ब्लैक वाला कनेक्टर और वाइट वाला कनेक्टर आराम से निकल जाए।
तो अभी ये बोर्ड को निकालने के लिए मशीन के लेफ्ट, अभी जो बैक साइड है बैक साइड से लेफ्ट साइड, और अगर मशीन के फ्रंट साइड से काउंट करेंगे तो राइट साइड में वो जो वाइट कवर रहता है उसको पहले निकालेंगे। अभी मैं बैक साइड से हूँ तो मशीन के बैक साइड से लेफ्ट साइड में घुमाता हूँ। ये जो कवर होता है ना, जिधर लैन वायर लगता है, तो उसको निकालेंगे वाइट कवर को। तो पहले जो ये यूएसबी जो कनेक्टर रहता है उसको मैं निकाल देता हूँ, और उसके निकालने के बाद वाइट में चार स्क्रू रहते हैं, चार स्क्रू निकालने के बाद ये वाइट कवर वो निकल जाता है। उसके बाद ये जो है जो मल्टी फंक्शन बोर्ड का जो ये इधर स्क्रू लगा वो भी आप निकालेंगे। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, दो तीन स्क्रू जो है वो निकाल के मैं दिखा देता हूँ। और वो निकालने के बाद फिर बाद में ऐसा डोर के तरह ये जो मल्टी फंक्शन बोर्ड है वो खुल जाता है। तो आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें, आप ध्यान से देखें, वीडियो ज़रा बड़ा है और पूरा मैंने बनाया है वीडियो, ऐसा नहीं है कि हाफ मैंने छोड़ दिया है ताकि किसी को तकलीफ हो। आप अगर इंजीनियर हैं तो इस तरह का काम कर सकते हैं आप देख करके मेरे वीडियो को। तो ये स्क्रू निकालने के बाद ये देखिए अभी कहीं पर फंस रहा है, और भी एक स्क्रू है, ये देखिए अब इधर घुमाता हूँ, चेक करता हूँ किधर स्क्रू कोई रह गया है क्या। तो उसको निकालने के बाद ये जो बोर्ड जो है मल्टी फंक्शन बोर्ड वो डोर की तरह निकल जाता है। ये जो है कहीं पे फंस रहा है, किधर है वो, अच्छा नीचे साइड में है कि स्क्रू, वहाँ पे भी एक स्क्रू रहता है। अब ये स्क्रू निकालने के बाद ये देखिए डोर की तरह निकल जाएगा, ये देखिए है ना। और यहाँ पर जो एक ब्लैक का कनेक्टर है और ये वाइट जो कनेक्टर, वो दोनों निकाल लेंगे। ब्लैक कनेक्टर तो प्रेस करने के बाद निकल जाता है, और लेकिन ये वाइट वाला कनेक्टर जो है ना वो स्क्रू से फिक्स किया हुआ रहता है, छोटा सा स्क्रू से, दो स्क्रू से फिक्स किया हुआ रहता है। तो उसको लूज कर देंगे। अब ये देखिए ऐसे ये डोर की तरह मल्टी फंक्शन बोर्ड और पीआरसी भी निकल जाता है, खुल जाता है। अब ये वायर जो है बैक साइड से वायरिंग किया हुआ रहता है, इसलिए मैंने ये खोला है। अभी जो वो जो प्रेस किया हुआ सब वायरिंग किया उसमें से निकाल देते हैं। ये वायर मैंने निकाल लिया केबल, ये देखिए ये मैंने निकाल दिया है। ये केबल चेंज करना है। तो आप भी जब भी इस तरह का काम करेंगे तो कनेक्टर वगैरह और वायरिंग का जो लॉक है उस पर ध्यान रखेंगे और आराम से काम करेंगे ताकि दोबारा ख़राब ना हो, केबल ख़राब हो जाती है। फिर मैंने खींच लिया है, ये देखिए जो ख़राब होया हुआ था वो निकल गया है। अभी दूसरा वायर लगाएंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मशीन के में अगर फ्रंट साइड से जाएंगे तो जिधर पावर सप्लाई बोर्ड है उधर से मैं डालता हूँ ये वायर केबल, लेज़र केबल। उधर से जब डालेंगे तो वायर ठीक से आता नहीं है, इसलिए लेज़र के तरफ से अगर डालेंगे तो ईजी उधर से लग जाता है। ये ध्यान से देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। वहाँ पर जितना स्पेस रहता है उसमें डालिए केबल और बैक साइड से धीरे धीरे निकाल लीजिए। ये मैंने डाला है इधर पावर सप्लाई बोर्ड के पास से लेज़र केबल, और ये देखिए उधर मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। देखिए अभी जितना ज़रूरत है उतना मैं उधर लेज़र केबल के पास रखूँगा, लेज़र के पास पावर सप्लाई के, उसके बैक साइड में वायरिंग कर दूँगा इसको। और इस तरह का जो है शेप दे दीजिएगा ताकि उसको लगने में, कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी क्या करते हैं, पावर सप्लाई के तरफ जो अपना लेज़र यूनिट है, पावर सप्लाई बोर्ड है, इधर पहले से फिक्स कर देते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आप एक एक कनेक्टर को अपने आप ध्यान से देखिए ताकि आपको किसी तरह काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे अपलोड है, जैसे कोई सा भी मेरे पास कोनिका मिनोल्ट्रा कलर डिजिटल मशीन आता है उसका ड्रम चेंज कैसे करते हैं, उसका बेल्ट के चेंज कैसे करते हैं, और उसका फ्यूज़र फिल्म वगैरह कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे पास एक लिक्विड है उसमें वायर को जो है थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि कनेक्टिविटी के बाद कोई एरर ना आए। तो आप भी अगर इंजीनियर हैं तो इस तरह काम करते हैं तो उस वायर को थोड़ा सा क्लीन कर दिया करिए, ताकि क्या होता है कनेक्टिविटी पर डस्ट वगैरह रहता है ना, तो उसके वजह से कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है और वायर में नहीं कनेक्ट होने की वजह से कुछ एरर आ जाता है। तो ये मैंने वापस से वायर लगा दिया है नया वाला। अभी ये वायर लगाने के बाद आगे का प्रोसेस क्या क्या है आप मेरे वीडियो में जुड़े रहे, और इसके बाद पावर सप्लाई बोर्ड वगैरह लगाऊंगा, फिर कवर लगाऊंगा, फिर फिक्स करते हैं। और लास्ट तक आप बने रहे कि प्रिंट का क्वालिटी आपको दिखाता हूँ।
तो इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नॉलेजफुल वीडियो बहुत सब मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करें और वीडियो भी देखें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सा मशीन का काम होता है। और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, आपको अगर पुणे से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको किसी तरह का कलर डिजिटल मशीन कोनिका मिनोल्टा का सर्विस का रिक्वायरमेंट है, टोनर का रिक्वायरमेंट है, या एनीबॉडी किसी चीज़ का भी, जैसे ड्रम हो गया, ब्लेड हो गया, PCR हो गया, या फ्यूज़र फिल्म हो गए, या टोनर पाउच वगैरह भी आपको मिलेगा, ओरिजिनल टोनर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कॉल बैक करूंगा या अपना मैं आपको नंबर दूंगा, ताकि आप मुझे कॉल करें और मैं आपको पार्ट्स वगैरह जो है बाय कुरियर यहां से सेंड कर सकता हूं। और किसी तरह का आपका मशीन में प्रॉब्लम है तो भी मैं ऑनलाइन सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, उसके बाद आप मुझे जो प्रिंट की प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा और मैं आपको ऑनलाइन सर्विस देने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैंने लेज़र वायर जो डाला है वो मैंने लगा दिया है, अभी पावर सप्लाई बोर्ड लगा दिया है, और अभी जो है कनेक्टर वगैरह लगाऊंगा। तो बोर्ड लगाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर लेज़र केबल लगाना, सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टर, कौन सा कनेक्टर कहाँ पे है। आप अगर टेक्नीसियन है तो अच्छे से काम कीजिए, वायरिंग वगैरह अच्छे से करिए, ताकि कोई देखे तो नहीं अच्छा टेक्नीसियन है अच्छे से काम कर रहा है, तो वो आप ध्यान रखिए हमेशा। अभी मैं बोर्ड का कनेक्टर लगा रहा हूँ, उसके बाद अभी पावर सप्लाई बोर्ड की तरफ फिक्स कर रहा हूँ, और आप मेरा वीडियो पूरा देखें, अगर आप आधा छोड़ देंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए किधर क्या किया क्या नहीं किया। आप अगर टेक्नीसियन हैं तो आपके लिए बहुत ये आपका यूज़फुल वीडियो है, तो आप ये ध्यान से देखिए आप, और अपना मशीन है या अपना क्लाइंट का मशीन है इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। पावर सप्लाई बोर्ड लगाने के बाद ये फ़ैन लगा रहा हूँ, और फ़ैन को लगाने के लिए दो स्क्रू जैसे मैंने निकाले थे पहले, उसी तरह वापस से दो स्क्रू लगा देंगे, और आगे मेरे वीडियो में जुड़े रहें, ताकि आप इस तरह का वीडियो नॉलेजफुल वीडियो देखते रहे आप। तो अभी इधर का पूरा फिक्स कर देता हूँ, अभी तो वो मैंने लगा दिया था, फ़ैन लगा दिया, अभी मेटल का जो अपना कवर है वो लगा देता हूँ, उसके बाद ब्लैक कलर का जो कवर था वो लगा देंगे, और उसके बाद बैक साइड में चलेंगे उधर का भी प्रॉपर फिक्स करेंगे। तो अभी जो मैंने लेज़र केबल जो कनेक्ट किया है पावर सप्लाई बोर्ड के तरफ, जो छोटा वाला जो बोर्ड आता है सिर्फ उसमें ही लगाया है, अभी बैक साइड का वायरिंग करना बाकी है, जो मेन इम्पोर्टेंट एरिया है मल्टी फंक्शन बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं, तो आप उधर भी ध्यान से वीडियो देखेंगे, ताकि आप अपने प्रिंटर का अपने मशीन का अच्छे से वायरिंग कर सके। तो इधर का लगभग मशीन का लेफ्ट साइड पावर सप्लाई बोर्ड की तरफ तो मैंने फाइनल कर दिया है, अभी मशीन का बैक साइड चलेंगे जिधर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मल्टी फंक्शन बोर्ड, उधर वायरिंग कैसे करते हैं और केबल कैसे लगाते हैं। तो अभी मशीन को मैं घुमाता हूँ और चलते हैं बैक साइड, ये जो लेज़र केबल है उसको कैसे वायरिंग करते हैं आप ध्यान से देखिए। आप ये केबल है और वायरिंग इम्पोर्टेंट है, अपना रूटिंग जो लॉक वगैरह जो रहता है ना वो लॉक वगैरह आप बढ़िया से करेंगे, ताकि किसी तरह का वायर डैमेज ना हो, तो वो सब ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो पहले जो हमने जो लॉक वगैरह जो निकाला था वापस उसी लॉक के अंदर केबल डालेंगे, और केबल डालने के बाद अभी फ्रंट साइड में चलेंगे, फ्रंट साइड में जाने के बाद बोर्ड के फ्रंट साइड में कहाँ पर लगता है और कैसे लगता है तो आप ध्यान से देखिए, ताकि आप अपने प्रिंटर को सॉल्व कर सके प्रॉब्लम जो भी है। और इसी तरह का जो प्रॉब्लम है प्रिंट क्वालिटी का हो या फिर अपना फ्यूज़र वगैरह चेंज करने का, सब मेरे वीडियो अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर जो मल्टी फंक्शन बोर्ड है जिसको मदर बोर्ड भी बोलते हैं, वहाँ पर कनेक्टर है, उसमें ध्यान से लगाइएगा ताकि पिन वगैरह बैंड ना हो जाए, पिन ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने लगा दिया बढ़िया से, अभी ऊपर में जो कनेक्टर मैंने निकाला था ब्लैक कलर का वाइट कलर का वो सब मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, और पीछे मैंने वायरिंग कर दिया है, और पीछे वायरिंग करने के बोर्ड के बैक साइड में वायरिंग मैंने बढ़िया से कर दिया है, और राइट साइड में जो वायर बचेगा उसको भी बढ़िया से वायरिंग कर देंगे। तो ये मैंने सब फिक्स कर दिया बैक साइड में, अभी जो ऊपर में जो वायर था कनेक्टर था उसको भी बढ़िया से वायरिंग कर दे रहा हूँ, ये सब जो लॉक है उसमें उसको लगा देता हूँ। तो आप इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये देखिए इधर भी जो लॉक वगैरह है वायर का, आप भी अगर काम करेंगे तो इसको अच्छे से लॉक कर दीजिएगा, ताकि वायर
डैमेज ना हो, कट ना कट हो जाता है कभी कभी ऐसा मेटल में लगता रहता है। तो अभी जो ये जो बोर्ड है उसको मैं बढ़िया से फिक्स कर दे रहा हूँ, और फिक्स करने के बाद जो है कि अभी लेफ्ट साइड में जो हमने निकाला था वाइट कवर उसको फिक्स करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि मैं आपके साथ अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में हूँ। अगर पुणे से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में, 100 किलोमीटर के एरिया में आपको किसी तरह का 12-18 CMYK के कलर डिजिटल प्रिंटर का रिक्वायरमेंट है, मशीन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको दे सकता हूँ और सर्विस भी दे सकता हूँ। और मेरी कंपनी का नाम है सॉल्यूशन पॉइंट, तो आपको अच्छी तरह सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप मशीन अब अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा और हम लोग कनेक्टिविटी में रहेंगे। जो भी है मशीन वगैरह सेल करता हूँ मैं, आपको सर्विस भी देता हूँ। तो आपको इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तभी मैं बोर्ड को तो पूरा फिक्स कर दिया है, अभी जो कवर बचा हुआ है वो कवर लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट जो प्रॉब्लम था प्रिंटिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ये जो वायर डाला है मैंने, ये वायर से कुछ फ़ायदा है भी या नहीं कि मैंने ऐसे ही डाल दिया है। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, कोई ड्रम डाल देंगे, कोई ब्लेड डाल देंगे, कोई बेल्ट डाल देंगे, या फिर कोई वायर डाल देंगे, या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट। क्लाइंट तो पैसे देने के लिए देता है, समझे, लेकिन बात यह है कि क्लाइंट जिस चीज़ के लिए पैसा दे रहा है वो 100% सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम। अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा जगह अटैक नहीं, पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फाइंड आउट करिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके बाद वो पार्ट्स चेंज करिए। ताकि अगर आप क्लाइंट को कमाने का मौका देंगे, अर्न करने का मौका देंगे, तो ही आपको पैसा देगा। आप उनको अर्न करने का मौका नहीं देंगे, आप उनको कमाने का मौका नहीं देंगे, तो आपको पैसा नहीं देगा। तो ये मैंने कवर लगा दिया वाइट वाला, और USB भी लगा दिया है। अभी पावर केबल लगाता हूँ और मशीन ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो अभी मशीन मैं ऑन करूँगा, उसके बाद एक टेस्ट पेज प्रिंट करके दिखाऊँगा। ये सब जो ऊपर मशीन को ऊपर रखा हुआ है ना, ये सब पहले का प्रिंट निकाला हुआ है। जो प्रॉब्लम था, कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक था, कोई थोड़ा थोड़ा ब्लैक आ रहा था। तो अभी मैं आपको फाइनल प्रिंट टेस्ट आपको दिखाऊंगा। और इसी तरह का चैनल पे बहुत सारा वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो है। कोई ड्रम चेंज कर रहा हूँ, कहीं पे ब्लेड चेंज कर रहा हूँ, कोई IBT क्लीनिंग कर रहा हूँ, या फिर लेज़र क्लीन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेज़र। तो अभी मैं टेस्ट पेज वापस से प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगता है मशीन में पेपर नहीं है, तो वन साइडेड यूज़ में पेपर डाल रहा हूँ, और पेपर डालने के बाद फिर आपको टेस्ट पेज करके दिखाता हूँ। ये दो पेज डाल देता हूँ और उसके बाद दो पेज दिखाता हूँ। ऊपर जो मशीन पे रखा हुआ है ना, सब पहले का है, मतलब काम करने से पहले का, वायर लगाने से पहले से का केबल का, और उसके बाद का जो प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ वो दिखा देता हूँ। ये देखिए सब पहले का है, अभी दो पेज मारा है, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये देखिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा है। आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, और आपका धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।